हाँ विद्यार्थियों, मैं यहाँ तक पढ़ा चुका था। देखो लिखा है, दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपाती बी थ्रू टू देम। लेखक कह रहा है, जब हम अपनी दादी के साथ विद्यालय से वापस लौटते थे तो हम कुत्तों को रोटियाँ फेंकते थे उन्हें, तो वो घुर्राते हुए और लड़ते हुए आपस में, और वो हमारे घर तक आते थे। यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था, अब यहाँ से देखना है। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता शहर में आराम से बस गए, they sent for us, उन्होंने हमें बुला लिया, that was a turning point in our friendship। लेकर कह रहा है कि हमारी और दादी जी की जो मित्रता थी उसमें एक टर्निंग पॉइंट आ गया, एक मोड़ आ गया। Although we shared the same room, यद्यपि हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे, my grandmother no longer केम टू स्कूल विद मी। तब से मेरी दादी माँ शहर पहुँच गए, तब से मेरी दादी माँ विद्यालय मेरे साथ नहीं जाती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर मोटर बस। हम एक बस से वैन से जाया करते थे विद्यालय, लेकर कह रहा है, इसलिए दादी माँ मेरी नहीं जाती थी। देयर वाज नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, गली में कहीं पर कुत्ते भी नहीं थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। इसलिए मेरी दादी माँ शहर के घर में आंगन में बैठ करके वह गौरैया को खाना खिलाने लगी थी, यानी गौरैया को खाना खिलाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड, जैसे जैसे साले गुजरी, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हमने एक दूसरे से मिलना जुलना कम कर दिया। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, सी कंटिन्यू टू वेक अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ समय के लिए वह मुझे रोज जगाती थी और विद्यालय के लिए तैयार करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं विद्यालय से आता था तो वो मुझे पूछती थी कि आज विद्यालय में क्या पढ़ाया गया है। तो लेखक कह रहा है कि आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स में, अंग्रेजी शब्दों में बात कर इंग्लिश शब्दों से कहता था। एंड रिलेटेड थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस में कहता था कि पश्चिम के कुछ ज्ञान विज्ञान के बारे में बताया गया है, और एंड लर्निंग विद्या के बारे में सिखाया गया है, द लॉ ऑफ ग्रेविटी और गुरुत्व के नियम के बारे में सिखाया गया है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में बताया गया है, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और वो आर्किमिडीज के सिद्धांत ने बताया कि संसार गोल है, तो उसके बारे में चर्चा होती थी। द दिस मेड हर अनहैप्पी, यह सुनकर वह नाराज हो जाती थी, खुश नहीं होती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, वह मेरे अध्याय में मदद नहीं करती थी क्योंकि वह जानती नहीं थी। सी डिन नॉट बिलीव इन इन द थिंग्स, वह इन बातों में विश्वास नहीं करती थी, दे टॉट एट द स्कूल एट द इंग्लिश स्कूल एंड वाज डिस्ट्रेस, यानी वह इस वजह से नाराज होती थी कि इंग्लिश विद्यालय में क्या और कैसे पढ़ाया जाता है, इस बात से वह बहुत नाराज होती थी। हाँ थोड़ा ये कैमरा गड़बड़ है, चलो मैं साफ कर रहा हूँ, लेकिन आप घबराएं नहीं, आगे चलते रहें। तो लेखक कह रहा है, यहाँ पर है, क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। लेखक कह रहा है कि इंग्लिश विद्यालय में जब हम जाते थे पढ़ने के लिए, तो वो लौट करके हमारे विषय के बारे में पूछा करती थी, तो हम ऐसे ही कहते थे, और जिन विषय के बारे में सुनकर वह नाराज हो जाती थी। सी डिन नॉट बिलीव इन द थिंग्स, इन चीज़ विश्वास नहीं करती। दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल एंड बाय डिस्ट्रेस, यानी जो इंग्लिश स्कूल में जो अध्यापक पढ़ाते थे उनसे एंड बाय डिस्ट्रेस, जिससे वह नाराज डिस्ट्रेस में दुखी होना दुखी हो जाती थी। क्यों दुखी हो जाती? दैट देयर बाय नो टीचिंग अबाउट गॉड, उसे लगता था भगवान के बारे में उन्हें कोई सिखाई नहीं रहा है मेरे नाती को, इस वजह से वह नाराज हो जाती थी। एंड द स्क्रिप्चर, और ग्रंथों के बारे में उसे कोई सिखाता नहीं था, इस वजह से उसे थोड़ा उदासीपन होता था। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक क्लास लेसन, एक दिन मैं घर पहुंचा, लेकर कह रहा, मैंने कहा कि आज तो संगीत का क्लास घंटा लगा था या संगीत का लेसन सिखाया गया था। सी वाज वेरी डिस्टर्ब, मेरी माँ बहुत परेशान हो गई, दादी माँ परेशान हो गई। टू अर म्यूजिक हैड लेड एसोसिएशन, मेरी दादी माँ समझती थी यह जो संगीत है केवल कामुकता के लिए है। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फॉक,
लेखक की दादी माँ समझती थी हॉरलॉक्स मिसो तो वेश्याएं। लेखक की दादी जी समझती थी कि वेश्याओं के लिए और भिखारियों के लिए ही केवल ये मोनोपोली अधिकार जमा लिया था संगीत पर, यानी संगीत का अधिकार इन लोगों का था और किसी का नहीं था। जेंटल फॉक मिसो तो छतरी लोगों का नहीं था। सी सेड नथिंग, उसने जब संगीत के बारे में कहा उसने कुछ नहीं कहा। बट हर साइलेंस मीन्स डिसअप्रूवल, लेकिन उसकी चुप्पी ने बता दिया कि वह इन विषयों से सहमत नहीं है। सी रेली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद वह मुझसे बहुत ही कम बात करती थी। वेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तो जब मैं बड़ा हो गया और मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने जाने लगा तो मेरे लिए अलग कमरा दे दिया। दादी के साथ मैं कमरे में सोता था, अब हमारा कमरे का बंटवारा हो गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बाय इंटरप्ट, मेरी दादी माँ के साथ जो सामान्य एक मित्रता की कड़ी थी वह स्नैप्ड टूट गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर रेक्लिजन विद रिजाइनेशन, जिसको कहते हैं रेजिग्नेशन, त्यागपत्र। लेखक कह रहा है कि मेरी दादी माँ ने जब मेरा कमरा अलग होगा तो इस त्यागपत्र को उसने बैराग्य समझ करके एक्सेप्टेड स्वीकार किया था। सी रेयरली लेफ्ट हर स्प्रिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, यानी वह चरखा चलाया करती थी, सूत काटती थी और वह किसी से बात बहुत कम करती थी। फॉर सनराइज टू सनसेट, यानी सूर्योदय से पहले, यानी सूर्य निकलता था तब से, एंड टू सनसेट, और लिखा है टू सनसेट और सूर्यास्त होने चाहिए, सूर्योदय से और सूर्यास्त तक वह चरखा चलाया करती थी। सी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रेसिटिंग प्रेयर, और वह उस चरखा के पास बैठ जाती, चरखा काटती थी, सूत काटती थी और रेसिटिंग प्रेयर, और वह प्रार्थना बोला करती थी, प्रार्थना कहा करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स फॉर ए वाइल, और केवल दोपहर में थोड़ा बहुत तो आराम करती थी। टू फीड द स्पैरो, और वो भी आराम किसमें बिताती थी, जो गौरैया थी उनको वह खाना खिलाने में अपना समय बिताती। वाइल सी सेट इन द बरंडा ब्रेकिंग द ब्रेड इन टू लिटिल बाइट्स, जब वह बरंडा में बैठ जाती थी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर लेती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएशिंग ए वेरिटेबल बेडलम, वो लेखक कह रहा है। और फिर क्या कह रहा है, ऑफ क्या कह रहा है, चिरुपिंग्स में, तो जो चिरुपिंग्स का मतलब होता है चेंचाना, यानी जो बरामदा में आकर बैठती थी वह भोजन खाती थी, वो चेंचाती थी। सम केम एंड पर्चड ऑन हर हेड, यानी पर्चड यानी कुछ आती थी उसके पैरों पर बैठ जाती, ऑन अदर हर शोल्डर उसके कंधों पर बैठ जाती, सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ आती थी उसके सिर के ऊपर बैठ जाती थी। सी स्मैड, वह बहुत मुस्कुराती थी, बट नेवर नेवर सुन देम अवे, लेकिन वह कभी उड़ाती नहीं थी परेशान, यानी उनको कभी उनसे अनख्याती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, यानी यही मेरी दादी माँ का सबसे प्रसन्न समय हुआ करता था। When I decided to go abroad for further study, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला किया, I was sure, मुझे पूरा विश्वास था, my grandmother would be upset, मेरी जो दादी माँ है वो परेशान हो जाएगी। I would be away for 5 years, मैं अपनी दादी माँ से 5 साल के लिए अलग हो रहा था। And at her age one could never tell, और वो कह रहे वह ऐसी उम्र थी कि इस उम्र पर कोई नहीं कहेगा बाहर जाने के लिए, लेकिन बट माई ग्रैंड मदर कोड, लेकिन मेरी दादी माँ ने कहा जाने के लिए। सी बाय नॉट इवन सेंटिमेंटल, यानी वह बिल्कुल सेंटिमेंटल यानी वह बिल्कुल भावुक नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह रेलवे स्टेशन पर मुझे छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक, लेकिन वह मुझसे बोली नहीं, और शो एनी इमोशन, और उसने मुझे कोई इमोशन यानी कोई रोने का भाव होता है वो नहीं दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके ओठ हमेशा प्रार्थना में चल रहे थे। हर माइंड बाय लॉस्ट इन प्रेयर, उसका दिमाग प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोशनी, यानी रोशनी यानी उसके जो हाथ की उंगलियां थीं वह पवित्र माला के जपने में चल रही थीं। साइलेंटली सी किक्ड माई फॉरहेड, उसने चुपके से शांति से उसने मेरे सिर के माथे को चूमा। एंड वेन आई लेफ्ट जब मैं वहाँ से अपनी दादी को छोड़ रहा था, आई चेयरसाइड द मोस्ट
इम्प्रेट एच परहैप्स द लास्ट साई ऑफ फिजिकल कैन नॉट बिटवीन अस कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। लेखक कह रहा है कि जब मैं जा रहा था तो मैंने अपनी दादी की छाप को दिमाग में ले लिया था, वह तस्वीर को अपने दिमाग में ले लिया था। मुझे लग रहा था कि हमारी दादी का जो फिजिकल कॉन्टैक्ट है बना हुआ है, एक एक दादी माँ का अपने नाती से जो बना हुआ है, वो लेखक कह रहा है कि मुझे नहीं लगता था कि अब मैं लौट के अपनी दादी के साथ इस तरह से फिजिकल मेंटेन बना सकूँगा। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल गुजर गई, आई केम बैक होम, में घर वापस आया। एंड वॉज मेट माई हर एट द स्टेशन, और मेरी दादी माँ खुद स्टेशन पर मुझे मिली। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, मेरी दादी माँ 1 साल भी बूढ़ी नहीं लगती थी, जैसी छोड़ के गया था वैसी ही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और जब मैं लौट करके आया तब भी उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। एंड व्हाइल शी क्लेस्पेट मी इन हर आर्म्स, और उसने मुझे जब मैं उसके पास गया तो वो कहता आर्म, मैंने देखा कि शायद वो मुझे बाहों में ले लेगी। आई कुड हीयर हर रेसिटिंग हर प्रेयर, जब मैं उसकी बाहों में मिला और मुझे मिलते समय सुनाई दे गया कि मेरी माँ तब भी प्रार्थना को कह रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन ऑफ माई अराइवल, यानी मेरे पाँच साल बाद लौटने का पहला दिन था। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरो होम सी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रॉबलियस रेब्यूक्स, यानी मेरी जो दादी माँ थी, मैं 5 साल बाद लौटा था, मेरी दादी माँ के लिए ये बहुत सुखमय वो समय होना चाहिए था, लेकिन मेरी दादी माँ का सबसे सुखमय समय जो था वह गोरैया को भोजन खिलाने वाला था। इन द इवनिंग, शाम को ए चेंज केम ओवर हर, एक शाम को मेरी दादी में थोड़ा परिवर्तन आया। सी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उसने पड़ोस की सभी महिलाओं को इकट्ठा कर लिया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, उसने एक ढोलक ले ली। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना गाना प्रारंभ कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स सी थंबर्ड द सिंगिंग, वह घंटों तक उस ढोलक को बजाती रही, प्रार्थना करती रही। उसके बाद है स्किप्स द क्या लिखा है, हाँ, डिलीपेटेड ड्रम, यानी वो ड्रम जो होता था उसे वो पीटती थी और उस पर हाथ उछालती थी। एंड सिंग द होम कमिंग ऑफ बारिश, और वह जो गाना गाती थी वह योद्धाओं की घर वापसी वाला गाना था। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, लेखक कह रहा है कि हम उसे रोकना चाहते थे और लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, यही एक मौका था। सिंस आई हैड नन हर, मैंने अच्छी तरह से देखा जाना। दैट सी डिड नॉट प्रे, यही मौका था पहली बार जब उसने पहली बार भगवान की प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वाज टेकन इल, अगले दिन वह बीमार हो गई। इट वाज माइल्ड फीवर, उसके थोड़ा सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट, डॉक्टर ने हमें बताया था कि इट वुड गो, यानी बुखार उतर जाएगा। बट लेकिन ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन दादी माँ ने कहा अलग से कहा। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, उसने कहा दादी माँ ने अपने हमारे घर के सब लोगों से कि उनका अंत समय आ गया है। सी सैड दैट, उसने कहा सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर, केवल 2-4 घंटे बचे हुए हैं। द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन का अंतिम चैप्टर बंद होने वाला है। सी हैड ओमटेड टू प्रे, फिर भी वह प्रार्थना कर रही थी। सी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, हमसे बात करने में वह समय खर्च नहीं करना चाहती थी, फिर वह प्रार्थना कर रही थी। बी प्रोटेस्टेड, हम उसकी सुरक्षा चाहते थे। बट सी इग्नोर अवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने हमारी जो प्रोटेस्ट थी उसको उसने इग्नोर कर दिया, नर अंदाज कर दिया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स, वह बेड पर लेट गई, शांति से प्रार्थना करती रही और माला को जपती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्टेड, अंत में हमें थोड़ा संदेह हुआ। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके ओठों ने हिलना बंद कर दिया। एंड द रोसरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उसके हाथों से जो माला थी जप रही थी वह गिर गई। ए पीसफुल कलर स्प्रेड ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर खामोशी छा गई। एंड वी न्यू दैट सी वाज डेड, और हमको पता लग गया कि मेरी दादी माँ मर गई। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज कस्टम
customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. जैसा कि सब लोग करते हैं वैसे हमने पलंग से उतारा, जमीन पर रख ली अपनी दादी माँ को, और लाल लाल उस जो श्राउड कफन होता है उससे हमने अपनी दादी माँ को ढक दिया. आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ कुछ घंटे गुजर गए मॉर्निंग वी लेफ्ट हर एलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल. फ्यूनरल होता है अंतिम शव यात्रा के लिए व्यवस्था करने के लिए. मैं बाहर गया तो मैंने दादी माँ को अकेले बरामदे में छोड़ रखा था. इन द इवनिंग सुबह सुबह वी वेंट टू हर रूम में वापस कमरे में गया विद ए क्रूड स्ट्रक्चर टू टेक हर टू बी क्रेमटेड. और उसके लिए मैं एक वो होता है स्ट्रक्चर होता है लकड़ी का वो लेने के लिए गया था ताकि अपनी माता जी को उस पर रखे जला सकूँ उसका अंतिम संस्कार कर सकूँ. द सन वाज सेटिंग सूर्य अस्त हो रहा था यानी दोपहर बढ़ रहा था. एंड हैड लेट हर रूम एंड बरंडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. और उसके बरामदा में घर में चारों तरफ एक सुनहरी धूप पड़ रही थी. बी स्टॉप्ड हर हाफ वे. हम आधे घंटे रुके इन द कोर्ट या आंगन में लगभग आधे घंटे रुके. ऑल ओवर द बरंडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर दे ले डेड एंड स्टेप व्रेप्ड इन द रेड श्राउड. यानी जो मेरी दादी मरी हुई लेटी हुई थी वह सफ़ेद लाल कफन ओढ़े हुए थी उसके चारों तरफ हजारों कौन आ गया था क्या लिखा है लिखा बरंडा यानी पूरा बरंडा भरा हुआ था. काय से भरा हुआ था देखो नीचे लिखा होगा थाउजेंड ऑफ स्पैरो यानी हजारों गौरैया सेट स्केटर्ड ऑन द फ्लोर यानी हजारों गौरैया फर्श पर आकर के बैठी हुई थी बिखरी हुई थी चारों तरफ. देयर वाज नो चिरूपिंग यानी वो चहचहा नहीं रही थी. बी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स हमने चिड़ियों के लिए थोड़ी माफ़ी सी मांगी. एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम मेरी दादी माँ ने रोटी की कुछ व्यवस्था की चिड़ियों के लिए. सी ब्रॉक इट इंटू लिटिल क्रम्स उसने छोटे छोटे रोटी के टुकड़े किए. द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू जैसा कि मेरी दादी माँ करती थी. एंड थ्री इट टू देम और हमने उस रोटी के टुकड़े को मेरी माँ ने उनको डाल दिया. द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ ब्रेड यानी बुलबुलियों ने जो गौरैया थी चिड़ियाँ थी उन्होंने रोटियों की तरफ देखा भी नहीं खाने के लिए जो रोटियाँ उसकी दादी खिलाया करती थी. आज दादी मर गई थी उसकी माँ ने रोटियों को फेंका तो जो गौरैया थी उन्होंने रोटी की तरफ देखा भी नहीं. वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स जब हम अपनी दादी माँ की लाश को ले चले वहाँ घर से ले चले दे फ्लू अवे क्विकली तो सभी गौरैया वहाँ से उड़ करके चली गई. द नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर सेफ्ट अगले दिन जो सफाई कर्मचारी आया उसने झाड़ू लगाया साफ किया. द ब्रेड क्रम्स रोटी के टुकड़े टुकड़े थे उन्होंने साफ किया इनटू द डस्टबिन और अंत में उन्होंने सभी रोटी के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया. अर्थात इसका मतलब ये है कि गौरैया सिर्फ दादी माँ से प्यार करती थी. दादी माँ के पास आती थी वो खाना खाने तो आती थी उससे भी प्यार करती थी लेकिन दादी माँ के मर जाने के बाद उन्होंने खाना बिल्कुल नहीं खाया. ओके थैंक यू. इसको पढ़ना लिखना और मेरे चैनल को कृपया सभी छात्र छात्रा सब्सक्राइब कर देना ताकि आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो भी कोर्स में है वो आप पढ़ सकें. ओके थैंक यू.